जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवाज आ रही है जी? आप लोगों को कमेंट कीजिएगा जी कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। ये सारे दोस्त जो है ना वो कमेंट कीजिएगा जी कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपने जी। जी आज हमने ना स्टार्ट लेना है जी, चलेंगे। अच्छा जी, आज ना हमने मतलब बेसिकली जो है कि वो इस्लामिक हिस्ट्री जो है ना जी, वहाँ मतलब है वो शुरू करेंगे जी, बिल्कुल बेसिक से और सुकून से। पूरा रमज़ान हमने ये पढ़ना है जी, इस्लामिक हिस्ट्री का ना जी। सबसे जो पहला स्टार्ट होगा वो आपने याद रखिएगा कि हम बोलते हैं जजीरा नुमा अरब जो है, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। ये आपने ध्यान में रखिएगा जी, जजीरा नुमा अरब जो है इसको पहले देखेंगे, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का दौर जो है उसको देखेंगे, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को डिस्कस करेंगे। तो पुरसकून तरीके से पढ़ना है जी, क्योंकि आप पहले जो एमओडी के लेक्चर्स हम कर रहे थे ना वो जल्दी जल्दी थे, क्योंकि उनका टाइम आ गया था पेपर का, इस वजह से। तो ये बड़े पुरसकून तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा जी, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा चीजें पढ़ के। अच्छा, सबसे पहले अगर आप देखें तो हम ना आपके साथ जो है ना जी एक मैप बनाएंगे जी अरेबियन पेनिनसुला का। हमने याद रखना है कि यहाँ तक जो एरिया है ना जी, इसको सऊदी अरेबिया जो है ना जी उसका एरिया बोला जाता है जी। इसके साथ अगर आप देखेंगे ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना जी, इसको हम बोलते हैं यमन। ये सारा एरिया जो है ना ये यमन का है। और इसके साथ आपने याद रखना है कि यहाँ पे ना जी जो एरिया आएगा ये ओमान का एरिया आता है। ये सारा एरिया जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि ये ओमान मुल्क है जी, ओमान। और ये आपने याद रखना है कि ये वाला एरिया यहाँ से फिर जो है ये सऊदी अरेबिया का ऊपर चला जाता है, और ये वाला जो पोर्शन आएगा ना जी इधर, ये यूएई है जी, यूनाइटेड अरब अमीरात एमरेट्स, यूएई, यूनाइटेड अरब एमरेट्स जो है ना जिसको बोलते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा कि ये जो एरिया है ना जी, ये यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, ये वाला पोर्शन जो है और ये ऊपर चला जाएगा, ये सारा सऊदी अरेबिया है। इसको आपने ना याद रखिएगा कि ये सऊदी अरब है। और इसमें और कौन कौन से अरेबियन पेनिनसुला में इलाके शामिल होते हैं, तो आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ से ये वाला एरिया जो है ना जी, ये जॉर्डन है, उर्दन जिसे बोला जाता है जी, जॉर्डन, ये जॉर्डन का इलाका है। और जॉर्डन के इलाके के साथ आपने याद रखिएगा कि ये जो एरिया आएगा ना जी, ये यहाँ से ऐसे जा के तो ऊपर की तरफ जाता है ये वाला, इसको बोलते हैं इसराइल। अब होता है कि इसराइल जो है ये मुल्क है जी, और छोटा सा मुल्क है, ज्यूज कंट्री है जी। अच्छा, आप याद रखिएगा ये जो एरिया है ना जी, ये आपने याद रखना है कि ये ऊपर की तरफ जो यहाँ से मतलब है कि इस अंदाज में ये ऊपर की तरफ गया, ये इतना मुल्क जो है ना जी, ये वाला, ये सारा इराक का एरिया आएगा, इराक।
इराक का कुछ हिस्सा बेसिकली शामिल है इसमें, लेकिन हम इसको सारे को ही शामिल करते हैं अरेबियन पेनिनसुला में। और इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री आएगा, आपने याद रखना है कि इतना सा, इसको बोलते हैं कुवैत। तो ये सारा एरिया जो है ना जी अरेबियन पेनिनसुला का है। इसको आपने ध्यान रखना है कि अरेबियन पेनिनसुला बोलते क्यों है जी, क्योंकि पेनिनसुला की डेफिनेशन है कि इसके तीन साइडों पे पानी आता है जी। इधर आप याद रखिएगा तो यहां से एक पोर्शन है ऐसे, ये इरा अपना इजिप्ट का है जी, ठीक है ना जी। ये आप याद रखिएगा कि ये वाला एरिया जो है ना जी ये किसका है जी, इजिप्ट का। तो इजिप्ट सारा जो है ना जी ये आगे इधर से आगे चला जाता है जी यहाँ से, और ये सारा एरिया जो है ना जी ये यहाँ तक आप देखेंगे तो ये इजिप्ट का एरिया जी। इजिप्ट के साथ आगे आपने याद रखना है कि शुरू हो जाएगा सूडान, ये सारा सूडान है जी। सूडान के साथ आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक मुल्क आता है जी, उसका नाम है इरिटेरिया, ये ऐसे में लंबा हो गया, ये इरिटेरिया का एरिया अपना आ जाएगा जी। और इसके साथ एक छोटा सा मुल्क है यहाँ पे इस जगह पे ना, थोड़ा सा आगे निकल के ऐसे में, ये दीजीबूती है जी। और दीजीबूती के साथ आपने याद रखिएगा कि यहाँ से सोमालिया का एरिया आता है जी ऐसे नीचे। तो ये देखिएगा कि इसको हम बोलते हैं बेसिकली, आपने याद रखिएगा इनको पहले याद कर लीजिए कि ये सी कौन सा है, रेड सी। आपने ध्यान रखना है कि ये रेड सी है, जिसे बहिरा अमर भी बोला जाता है, जिसे बहिरा कुलजम भी बोलते हैं। ये आपने ना इनके नाम भी याद रखने, बहिरा बोलते हैं छोटे समुंदर को ना जी, तो बहिरा अमर या बहिरा कुलजम इसे बोला जाता है, इसको रेड सी भी बोलते हैं। तो अब दोनों साइडों से ना आपने जेन में रखना है कि रेड सी के साथ, और मतलब है कि अफ्रीका के कौन से ममालक आते हैं और इधर जो है ना एशिया के कौन से ममालक आते हैं, तो ये दोनों आपने याद रखने। इधर से तो आप याद रखिएगा कि कौन सा मुल्क आता है जी, मिस्र, इजिप्ट जिसे बोलते हैं। फिर यहाँ से ना सूडान आ जाता है जी, और ये वाला जो मुल्क है इसका नाम आपने याद रखना है इरी टेरिया के नाम से। फिर ये वाला जो है इसको बोलते हैं दीजी बूती, और ये नीचे जो बिल्कुल नीचे ये जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है, इस मुल्क का नाम आपने याद रखिएगा सोमालिया है। तो इनको हम याद करने के लिए ना बोलते हैं सीड्स, सीड्स कंट्री हैं जी, जो मतलब है कि ये आते हैं बेसिकली इसके साथ रेड सी के साथ। अफ्रीका के कितने ममालक आते हैं उन्हें हम बोलते हैं सीड्स। सीड से क्या होगा जी, एस से सूडान, ई से इजिप्ट, ई से इरिटेरिया, डी डी से दीजीबूती, और एस से सोमालिया। समझ आ गई जी। तो सीड्स कंट्री आपने याद रखिएगा कि किसके साथ आते हैं, रेड सी के साथ जो है वो मुमालक आते हैं पांच, उनको मतलब अपना बोलते हैं जी सीड्स कंट्री जी। तो सारे दोस्त एक कमेंट कीजिएगा कि आपको ये पता चल गया कि रेड सी के साथ अफ्रीका के कितने मुमालक आते हैं जी, ताकि आगे चलें जी। सब दोस्त बताइएगा कि रेड सी के साथ अफ्रीका के कितने ममालक आते हैं, पांच, इनको क्या बोला जाता है जी, सीड्स कंट्री बोलते हैं जी। क्योंकि आज हम ना अगर ये समझने में कामयाब हो गए ना अरेबियन पेनिनसुला इसके कंट्रीज, फिर आगे जाके हमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में। क्लियर है जी, यहां तक समझ आ गई है जी आप दोस्तों के? जल्दी जल्दी ना कमेंट किया करें तो उससे फायदा जो है ना होता है समझने में ना। अच्छा
ये रेड सी का अफ्रीका वाला पोर्शन है जी, क्योंकि आपने याद रखिएगा कि जो पेनिनसुला होता है ना जी, उसको हम बोलते हैं जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके तीन साइडों पे पानी हो और एक साइड पे खुश्की हो जी, ठीक है ना जी। अब ये आपने ध्यान में रखना है जी कि पेनिनसुला की डेफिनेशन जो है ना वो क्या है, कि पेनिनसुला जमीन का कैसा टुकड़ा जिसके तीन साइडों पे, अब हमने एक साइड तो देख ली थी कि इसका पानी लग रहा है जी। अब देखिए कि यहाँ से अगर एशिया वाली साइड पे आपने देखना है कि रेड सी किन ममालिक को लगता है, तो इसराइल को, जॉर्डन को, सऊदी अरेबिया और यमन, ठीक है ना जी। यानी इधर कितने लग गए जी, एक दो तीन और चार। कल को पूछ ले कि रेड सी का जो एरिया है यानी वो कितने ममालिक के साथ मतलब है कि टच हो रहा है, ठीक है ना जी। तो ये आप ना ध्यान में रखिएगा कि चार मुल्कों के साथ हो रहा है जी रेड सी अटैच हो रहा है इधर से, और पांच मुल्कों के साथ अफ्रीका से। अफ्रीका के ममालिक को दोबारा देख लें कि सीड कंट्री की हमने एक डेफिनेशन दी थी, एस से सूडान है, एस से अपना ई से इजिप्ट है, ई से इरिटेरिया, डी से डिजिबुती और एस से सोमालिया। समझ आ गई जी, ये फाइव कंट्री हैं, ये चार कंट्रीज बनेंगे। ये वाला जो है ना, ये आपने ध्यान में रखिएगा कि ये मुल्क नहीं है जी, ये वो सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट का पोर्शन है, ये आपने ना याद रखना है, सिनाई पेनिनसुला इसे बोलते हैं जी। ये बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ पे कोहिनूर है जी, जहाँ पे हजरत मूसा अलैहि सलाम जो है ना अल्लाह से हमें कलाम होते, क्या बोलता है हजरत मूसा अलैहि सलाम को क्या बोला जाता है जी, कलीमुल्ला, ठीक है ना जी। तो ये कलीमुल्ला का इलाका है जी, यहीं पे वो मनो सलवा उतरा था, यहीं पे जनाब बादलों का साया अल्लाह ने किया था, क्योंकि हजरत मूसा अलैहि सलाम यहाँ से रेड सी क्रॉस करके इधर आए थे जी। समझा जी, तो ये आपने याद रखिएगा कि रेड सी को क्रॉस करके मूसा अलैहि सलाम सिनाई पेनिनसुला आए थे, और यहीं से फिर ज्यूज जो है ना वो आबाद हुए हैं इसराइल, ये वाला इसराइल है जी। आज भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस मुल्क के साथ जो है ना जी, जो आपने ना ध्यान में रखिएगा कि ये यहाँ पे गजा है, इस जगह पे ना गजा है, ये वाला गजा का बॉर्डर सिर्फ इजिप्ट से लगता है जी, ये आपने याद रखना है। तो पूछ ले कि गजा ना, गजा जो एरिया है जो फलस्तीन का इलाका है, उसका बॉर्डर जो है वो सिर्फ किस मुल्क से लगता है जी, वो मुल्क है बेसिकली आप याद रखिएगा इजिप्ट, रिफा बॉर्डर बोलते हैं। तो यहाँ से ये कनेक्ट होता है जी, सिनाई पेनिनसुला से इजिप्ट से कनेक्ट होता है, बाकी किसी मुल्क से इसका बॉर्डर लगता नहीं है। तो ये वाली साइड समझ आ गई जी कि रेड सी जो है ना जी, उसके साथ दोनों साइडों से मुल्क कौन कौन से आते हैं, इधर से मतलब पांच कंट्री हैं और एशिया वाली साइड से चार हैं। इधर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो सी आता है ना उसका नाम है अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है जी, ठीक है ना जी। जी दफा बॉर्डर है ना जी क्लियर हो गया जी, ये अरेबियन सी नीचे वाली साइड से आ गया जी। अब आप कहेंगे जी तीसरी साइड पे पानी कौन सा है, तो तीसरी साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको ना यहाँ से ये ईरान का एरिया नजर आएगा जी। ईरान जो है ना जी, ये इस अंदाज में आप याद रखिएगा कि ये ईरान आगे जाता है, ये आगे पाकिस्तान आ जाएगा और फिर ऐसे उत्तर की तरफ। तो ये वाला एरिया आपने याद रखिएगा कि ईरान का है। तो ये बीच में पानी कौन सा है, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि ये वाला एरिया सारा क्या है जी, पर्शियन गल्फ का है। समझ आ गई जी, ये पर्शियन गल्फ है जी। और ये आपने ना ध्यान में रखना है कि पर्शियन गल्फ के साथ यहाँ पे एक स्ट्रेट आती है जी। स्ट्रेट का तो आपको पता ही होगा जी, स्ट्रेट क्या होती है, पानी की एक नैरो पट्टी जो खुश्की के दो मेजर पोर्शन को क्या कर देती है जी, सेपरेट करती है, उसको क्या बोलते हैं जी, स्ट्रेट। स्ट्रेट को उर्दू में बोला जाता है आबनाए,
नाए, ठीक है ना जी, आप नाए जो है ना जी, स्ट्रीट ऑफ जो है ना जी, आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आ रही है उसका नाम क्या है जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का ना 40% ऑयल जो है ना वो इस स्ट्रेट से गुजरता है जी, तो इसको नाम दिया गया है, मतलब है आपने याद रखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इधर जो स्ट्रेट आती है ना यहाँ पे, इसका नाम आपने याद रखना है बाबुल मंदब, बाबुल मंदब, ठीक है ना जी। जी ये यमन, सोमालिया और जिबूती का इलाका है जी, यहाँ पे ये आती है स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब। इसे गेट ऑफ टीयर्स भी बोला जाता है, गेट ऑफ टीयर्स, आंसुओं का दरवाजा। तो ये बताइएगा जी, अब तीन साइडों पे पानी पता चल गया जी, ये ऊपर वाला जो एरिया है ना जी, ये खुश्की वाला है जी, यानी इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ऊपर जो एरिया आता है ना जी, वो है सीरिया का। आपने याद रखना है कि यहाँ तक ये जो है ना था मुल्क जो है वो आता है जी, मतलब है कि इसको बोलते हैं इसराइल, और ये ऊपर जो एरिया जाएगा ना ये सीरिया का है जी। आप कहेंगे जी इधर से ये क्यों कर दिया जी, तो आपने याद रखना है इधर ये छोटा सा मुल्क जो है ना जी, उसका नाम है लबनान। ये जो छोटा सा मुल्क आएगा ना इसको बोलते हैं लबनान। तो अब ये देखिएगा, ये ऊपर खुश्की है, इस सारे पोर्शन को ना आपने ध्यान में रखना है, इस सारे पोर्शन को क्या बोला जाता है जी, अरेबियन पेनिनसुला। ये सारा एरिया जो होगा ना जी, इसको नाम दिया गया है क्या जी, अरेबियन पेनिनसुला, ये पेनिनसुला है। आप बताएं कि जी जो है ना, कि आपको अरेबियन पेनिनसुला की समझ जाएगी, सबसे नीचे यमन और इधर ओमान, ये वाला मुल्क आपने याद रखिएगा ओमान, ये यूएई, फिर ये कुवैत, इराक, जॉर्डन, इसराइल और ये सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट का पोर्शन है जी। तो इस सारे को हम बोलते हैं क्या जी, अरेबियन पेनिनसुला। क्लियर हुआ कि नहीं जी, सारे दोस्त एक दफा कमेंट कीजिएगा जी, और मतलब है कि बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं, अरेबियन पेनिनसुला। क्योंकि आज हमने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़नी है, तो स्टार्ट मतलब है कि हो रहा है, इंशाल्लाह पूरे सुकून के साथ मजे के साथ पढ़ेंगे, और आपका फीडबैक चाहिए जी, आप सारे दोस्त जो है ना जी। जी मेरे भाई, बहरीन जो है ना जी, वो यहाँ पे एक आईलैंड है, इस जगह पे वो अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा नहीं है जी, ठीक है ना जी। वो बहरीन जो है ना जी, आपको पता है उसे आइजल ऑफ पर्ल भी बोला जाता है, ठीक है ना जी। बहरीन जो है वो आइलैंड है, इस वजह से उसको हम अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा नहीं मानते जी। वैसे जब हम पढ़ेंगे तो कंट्रीज में तो वो डालेंगे, क्योंकि ना जब मिडल ईस्ट आ जाता है तो फिर वो बहरीन भी बीच में आएगा जी, लेकिन जब हम अरेबियन पेनिनसुला की बात करेंगे तो फिर हम उसको नहीं डालेंगे। यहाँ तक जी बताइएगा जी सारे दोस्तों को, ताकि आगे फिर हम चलें जी, ताकि अब आप देखेंगे कोई पूछे आपसे अरेबियन पेनिनसुला के ममालिक, तो आपने याद रखना है सबसे बड़ा कंट्री सऊदी अरेबिया, उसके नीचे यमन, यमन के साथ ओमान, ओमान के साथ यूएई, फिर कुवैत, और एक कंट्री यहाँ पे रह गया था सॉरी, ये ना कतर है जी, इस जगह पे आपने याद रखिएगा, एक मुल्क ये रह गया था कतर, ठीक है ना जी। मेरे भाई आप बात गलत कर रहे हैं ना, अबू मूसा आईलैंड है ना जी, आईलैंड को फिर पेनिनसुला में कैसे डालूंगा, आप खुद बताएं। जब आईलैंड है, आईलैंड का मतलब क्या है कि जो जिसके चारों तरफ पानी है जी, ठीक है ना। फिर भी मैं जो है कि वो चीजें जो जो ऐड नहीं है ना, उनको हम क्यों ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम जस्ट मतलब है कि आपको बता रहे हैं अरेबियन पेनिनसुला, क्योंकि हमने इसको डिस्प्यूटेड चीजें हैं वो आईलैंड है, अगर वो इधर टच होते हैं ना तो फिर हम उनको ऐड करते हैं ना जी। तो अब याद रखिएगा जी कि कतर यहाँ पे आएगा, दोबारा देखने हैं, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन, इसराइल और सिनाई पेनिनसुला, इस सारे को हमने क्या नाम दिया जी, अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला है जी।
तो ये आपने यहां तक अपना फीडबैक दें सारे दोस्त जो हैं कि आपको ये वाला पोर्शन समझ आ गया जी, कि इस तरफ पर्शियन गल्फ है और फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, ये अरेबियन सी और इधर रेड सी आ जाता है जी। एक दफा फीडबैक अपना दीजिएगा जी, ताकि मैं फिर आपको मतलब मजीद आगे लेके चलूं जी। जी मेरे भाई, इसको पर्शियन गल्फ इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये है ईरान, ईरान का पुराना नाम फारस है जी। आपको पता है ना कि 1935 में मतलब है कि ये नाम जो है ना जी चेंज हुआ था, इसका नाम ईरान पड़ा था जी। पहले इसे क्या बोलते थे, पर्शिया। तो इस वजह से जी मेरे भाई आपने याद रखना है, स्ट्रेट जो है ना जी, ये यूएई जो है ना अपना, सॉरी ईरान जो है, एक तरफ ईरान ही है जी, ठीक है। दूसरी तरफ आपने याद रखना है कि दो मुल्क आ रहे हैं, यूएई और ओमान। लेकिन अगर एक मुल्क पूछेगा तो यानी इनमें से, तो आपने याद रखना है कि ये आएगा ईरान और ओमान, क्योंकि ईरान ओमान का ना थोड़ा सा पोर्शन यहाँ तक चला गया हुआ है। इस वजह से आपने याद रखिएगा ये वाला है ना जी सिलसिला जो है, कि ये आपने याद रखिएगा कि यहाँ तक ये चला गया जी, ओवरऑल समझ आ गई जी। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर तो एक मुल्क पूछेगा तो आपने बताना है कि ईरान और ओमान, इनके दरमियान है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। लेकिन अगर वो कहता है कि ईरान ओमान एंड, तो फिर यूएई भी आएगा जी, समझ आ गई जी। समझ आ गई कि नहीं, क्लियर हो गया जी। तो अब याद रखिएगा कि ये वाला स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है, ये तीन ममालक के दरमियान आती है, नहीं इराबियन पेनिनसुला में। मेरे भाई आप फिर डेफिनेशन से हट रहे हैं ना जी, डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है कि ईरान जो अपना, देखे ना कि तीन साइडों पे पानी है, ईरान के तो ये इस साइड पे पानी लगता है, ऊपर सारी खुश्की आती है। तो ये देखिए ना, यहां से लेके यहां तक आपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और मेरे भाई गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे है ना, ये वाली गल्फ ऑफ ओमान है जी, ठीक है ना जी, ये पर्शियन गल्फ है जी। तो बेसिकली जो है वो मेरा, मैं वही बार बार आपको कह रहा हूँ कि हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक है इस्लामिक हिस्ट्री। और मेरे भाई मिडल ईस्ट और चीज है, मिडल ईस्ट अगर आप देखेंगे ना, तो मिडल ईस्ट में और ज्यादा कंट्री आएंगे। मिडल ईस्ट जो है ना जी, उसमें आप देखिएगा कि सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, इसराइल, लबनान, सीरिया, टर्की, आर्मीनिया, जॉर्जिया, आजरबैजान और ईरान, ये सारा फिर मिडल ईस्ट में आ जाएगा जी। समझ आ गई? तो क्लियर हो गया कि नहीं जी? यहाँ तक बताइएगा जो दोस्त आ रहे हैं ना, कि यहाँ पे अरबियन पेनिनसुला, क्योंकि हमने इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ जाना है, आप मुझे ना ज्योग्राफी की तरफ ले जा रहे हैं, उधर मतलब है कि फिर लंबा हो जाएगा जी, क्योंकि ज्योग्राफिकल फीचर्स हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है इस्लामिक हिस्ट्री। इसकी हद तक बताएं कि आप लोगों को वो समझ आई है कि नहीं ना जी, कमेंट कीजिएगा जी जल्दी से, ताकि मैं फिर ना कुछ चीजें आपको इसके अंदर जो जियोग्राफिकल फीचर्स आती हैं या सिटीज आते हैं उनका बता के फिर हमने ना कुछ तो उधर निकलना है। अब याद रखिएगा जी कि सऊदी अरेबिया जो है ना जी, इसको आपको पता है कि इसमें पहाड़ भी हैं और इसमें मतलब है कि बेसिकली जो है कि वो सहरा भी है जी। आपने दो सहरा यहाँ याद रखने हैं जी, जो बड़ी दफा आ भी चुके हैं पेपर में। एक सहरा का नाम है रुबौल खाली, ये आपने याद रखिएगा कि रुबौल खाली डेजर्ट है, रुबौल खाली। अस्सलाम वालेकुम, हेलो दीदी, और नाम दीदी, आवाज आ रही है भाई? अच्छा जी,
रुको और खाली डेजर्ट इस जगह पे आएगा जी। और दूसरी तरफ आपने याद रखना है कि यहां पे ना इस जगह पे एक और डेजर्ट आएगा, उसका नाम जो है ना जी उसको आपने याद रखना है, अन्नफूज। अन नफूद, ये अन्नफूद डेजर्ट है जी। तो आपने याद रखेगा दो डेजर्ट जो है ना जी, इस वो आपने याद रखना है कि एक डेजर्ट यहाँ पे सीरिया में है, उसका नाम सीरियन डेजर्ट है। तो अब आपने ध्यान में रखिएगा कि ये सीरियन डेजर्ट, अन्नफूल डेजर्ट और रोगोल खाली डेजर्ट, इनको मिलाया जाए ना तो उसका नाम बनता है अरेबियन डेजर्ट। कौन सा नाम बनता है जी? अरेबियन डेजर्ट। तो अब याद रखिएगा कि अरेबियन डेजर्ट जो है ना जी, ये दुनिया का रेत वाला दूसरा बड़ा डेजर्ट है। आपको पता है सहारा के बाद अगर दूसरा डेजर्ट आता है तो वो कौन सा है जी? वो अरेबियन डेजर्ट है। आपने ध्यान में रखिएगा कि इसके बाद जो है यानी कि सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है और उस क्लियर हो गया जी। तो आपने ना ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो है ना, इस सारे को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा जी? अरेबियन डेजर्ट। दो डेजर्ट जरूर याद रखिएगा, पेपरों में आए हुए हैं, रोबॉल खाली डेजर्ट और अन्नफूज डेजर्ट, ये आपने ना ध्यान में रखना। फिर इधर आप देखिएगा जी कि जो माउंटेन है ना जी, यहाँ पे इस एरिया में जो माउंटेन आती है ना जी, उसका नाम आपने याद रखिएगा, आसीर माउंटेन है। आसीर माउंटेन आपने ना याद रखना है जी कि आसीर, आसीर माउंटेन। ये बेसिकली तो ऊपर तक आसीर ही जाती है जी, लेकिन इसको अगर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो इस वाली माउंटेन को बोलते हैं हिजाज माउंटेन, यानी ये ऊपर वाले हिस्से को ना, इसका नाम क्या पड़ जाता है जी? हिजाज, हिजाज माउंटेन आ जाती है जी। तो ये बेसिकली ये सारे को आसीर माउंटेन भी बोला जाता है। समझ आ गई जी? अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि यहाँ पे ना कुछ शहरों के नाम आपने याद रखने हैं जी। सऊदी अरेबिया के कुछ एरियाज हैं जी, उन शहरों के नाम आपने याद रखिएगा। एक तो ना आपने याद रखना है इस साइड पे ना जी, ये आती है दमाम, पोर्ट है जी दमाम। आपको पता है आयल सबसे पहले जो निकला है ना वो दमाम में है जी। और क्वेश्चन बड़ी दफा आता है कि पर्शियन गल्फ में कौन सी पोर्ट है जी सऊदी अरेबिया की, तो दमाम है जी। और दमाम के ऊपर भी एक पोर्ट आती है जी, उसका नाम है जुबेल। ये दोनों शहर जो है ना जी बड़े मशहूर हैं, इंडस्ट्रियल सिटी है जी। तो जुबेल है जी, ये जुबेल, ये दमाम, ठीक है ना जी। और इधर ही साथ ही आपने याद रखिएगा रियाद आता है जी, रियाद। रियाद जो है ना ये सऊदी अरेबिया का कैपिटल है जी। और आपने ना ध्यान में रखना है कि मदीना और मक्का जो है ना जी, वो आपने ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ना जी इस जगह पे मक्का है जी शहर, यहाँ पे आता है जी मक्का। और मक्का के साथ आपने याद रखिएगा कि इधर एक पोर्ट आती है जी रेड सी के अंदर, उसका नाम आपने ध्यान में रखना है जद्दा। ये मक्का है और ये जद्दा है, जहाँ पे OIC का हेडक्वार्टर है ना जी। तो ये आपने ध्यान में रखिएगा जी। फिर यहाँ पे नीचे आपने याद रखिएगा ताइफ, ताइफ का इलाका है जी ये वाला। ताइफ जो है ना जी, ये आपने याद रखना है कि ये ना इसका पुराना नाम था वज। तो वज से ये इसको ना, जब ये ताइफ कैसे हो गया कि इसके गिर्द दीवार बनाई गई थी, इसको वॉल्ड सिटी बोलते हैं। ताइफ का मतलब है दीवार वाला शहर, तो अरबी में बोलते हैं जो वॉल्ड सिटी हो ना उसे बोलते हैं ताइफ। इसी पहले इसका नाम वज था, फिर इसको नाम चेंज किया गया। वो सारी इंशाल्लाह हिस्ट्री में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरह ये हुआ जी। फिर इसके ऊपर अगर आप देखें तो थोड़ा सा ना जी, यहाँ पे इस जगह पे आता है मदीना, और मक्का और मदीना को इकट्ठा करें तो क्या हो जाता है जी? इजाज, इजाजे मुकद्दस बोलते हैं। समझ आ गई जी? फिर आगे ना जेन में रखना है कि आगे आप पढ़ेंगे गजवा तबूक, तो ये शहर है जी तबूक का। यहाँ पे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 9 हिजरी को यहाँ पे
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अटैक किया था, यानी गजवाए तबूक हुआ था जी, और इसी एरिया में एक नया शहर जो है ना जी, वो नियोन के नाम से ना जी, आपको पता है एक शहर जो है वो बना रहा है सऊदी अरेबिया, एक बड़ा शहर जो है ना जी, तो आप दोस्तों को पता है जी, नया शहर यहाँ पे बस रहा है जिसको बड़ा टेक्निकल चीजें तैयार किया जा रहा है जी, नियोन के नाम से ना जी। और ये जो एरिया है ना जॉर्डन का, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, बड़ी मशहूर हिस्टोरिकल प्लेस है, उसका नाम है पेट्रा। पेट्रा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है जी, तो पेट्रा आपने याद रखना है जी, यहाँ पे ये जॉर्डन के इलाके में आता है, समझ आ गई जी। तो ये तो थी जस्ट आपको मतलब है कि कुछ इस एरिया की ना इंफॉर्मेशन। तो अब सारे दोस्त जो है ना, एक दफा कमेंट कीजिएगा जी कि आप लोगों को मतलब है कि ये जो हमने इंफॉर्मेशन दी, ये क्या समझ आई है कि नहीं। और दूसरा मतलब है कि आपने ये बताना है कि इस पैटर्न से आपको ये समझ आ रही है ना जी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा जी। अब मैं अगले पोर्शन पे जाने वाला हूँ जी, आपको मतलब है कि लेके जी कमेंट कीजिएगा जी कि ये वाला आपको फायदेमंद है चीज जी, मतलब है। और आप सारे दोस्तों की ये जिम्मेदारी है कि आपने ना ये शेयर करनी है जी, इसका वीडियो का लिंक जो है ना अपने दोस्तों तक, ताकि कल जब हमारी क्लास हो तो मतलब है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा दोस्त जो है ना वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना जी। क्योंकि तो मैंने इंशाल्लाह पूरे रमजान में आपको इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लाम याद की ना ओवरऑल आपको A to Z इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन आप सारे दोस्तों की भी ये जिम्मेदारी है कि आपने सब दोस्तों तक ये लिंक शेयर करना है, अपनी फेसबुक वगैरह पे लगाना है जी, ठीक है ना जी। तो मतलब है कि इतनी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है जी, समझ आ गई जी। क्योंकि मैं जो है कि चलो मैंने कहा कि रमजान का महीना है तो हम, और ये इंशाल्लाह इस लेवल की इंफॉर्मेशन होगी कि आपको वन पेपर के अंदर इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लाम याद का जो पोर्शन है ना वो इंशाल्लाह आपको नहीं प्रॉब्लम करेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी कि आप याद रखिएगा कि जजीरा नुमा जो अरब है ना जी, इसकी हमने ना आपको कुछ चीजें जनरल सी आपको बताई है जी, इसके ना जी आपने याद रखना है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला जो एरिया है ना उसको क्या बोला जाता है जी, यमन, यानी यमन का जो मुल्क है, तो आपने याद रखिएगा कि जजीरा नुमा जो अरब है ना उसमें यमन का मतलब क्या है जी, पुर अमन, इसको पुर अमन बोलते हैं, ठीक है ना। यमन का मतलब क्या है, पुर अमन, ये बड़ा जरखेज इलाका था जी, यहाँ पे बहुत ज्यादा वसी जो है ना वो जरखेजी थी, तो यहाँ का कहवा जो है ना जी वो आज भी मशहूर है जी, कहवा ए नील जो है ना, ये आपने याद रखना है, कहवा ए नील जो है ये यहाँ पे जो कौम आबाद थी उसे कौम सबा बोला जाता है जी। ये आपको पता है मलका बल्कीस का आपने सुना होगा जी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो बेसिकली जो है वो कौमे सबा ये यहाँ पे ना जी आबाद थी। और यहाँ पे ना इन्होंने आबपाशी के लिए जब बारिश होती थी तो पहाड़ों से जो पानी आता था तो इन्होंने डैम बनाए हुए थे जी, और उनसे ना जी उन डैमों से जनाब ये आबपाशी करते थे, और एक ना बंद बनाया हुआ था, यानी वो डैम जो है ना उसका नाम क्या था, मारब, जो बड़ा डैम था ना उसका नाम मारब रखा था जी, और वो बंद टूट गया था, और यहाँ पे ना ये सारी कौम जो है ये मुंतशिर हो गई थी, यानी एक बड़ी खुशहाल कौम थी, लेकिन वक्त के साथ जो है ये फिर मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए हैं जी। तो याद रखिएगा कि यमन का इलाका जो है ये बिल्कुल नीचे आता है जी। जी जी सिस्टर सीरत फातिमा ने मैसेज किया क्या, जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि आगे आप देखें कि मैंने आपको बताया कि कोई आपसे पूछे कि हिजाज जो है ना जी वो कौन सा इलाका है, तो मक्का और मदीना का इलाका जो है ना जी उसको क्या बोला जाता है, हिजाज। एक इलाका आपने याद रखिएगा नजद भी है, नजद, नजद बेसिकली रियाज का जो इलाका है ना जी, सऊदी अरेबिया में रियाज, ठीक है ना, जो कैपिटल है इसको नजद बोला जाता है, इसी वजह से आपको पता है जो
गवर्नमेंट है ना जी, उसको नजदी गवर्नमेंट बोलते हैं जी, यानी जो आजकल आप होते हैं आले सऊद है ना जी, उनको नजदी रूलर बोला जाता है, क्योंकि उनका कैपिटल, उनकी जो हुकूमत है वो स्टार्ट नजद से हुई है, रियाद से। फिर यमन के बिल्कुल ऊपर का इलाका अगर आप देखेंगे ना जी, ये वाला यहाँ पे हजरे मौत है जी, ये एक इलाका है जिसको हम क्या बोलते हैं जी, हजरे मौत। ये इलाका भी आपने याद रखिएगा जी। इधर ही आपने ना इस साइल पे देखेंगे तो यहाँ पे ना नजरान, नजरान का इलाका आता है जी, जो बिल्कुल ना आप देखेंगे सरकार दो आलम से सल्लम को यहाँ के ईसाई मिलने गए थे। तो ये जो है ना अपना यमन, इसमें काफी उतार चढ़ाव रहा है जी हुकूमतों का ना जी, तो उनको हम देखेंगे जी। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये कुछ इलाकों का मैंने आपको बताया कि इलाके जो थे ना जी, जजीरा नुमा अरब जो है जी उसमें ना जी। अब आपने दोबारा से याद रखिएगा कि जो यमन का इलाका है ना, इसमें थोड़ी सी रद्दोबदल जो है ना वो हुई है, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। क्योंकि यहाँ पे कौम रहती थी, मैंने आपको बताया था कि कौम में सबा रहती थी, ठीक है ना जी। तो वो जब ये बंद टूटा था तो वो मुंतशिर हो गए थे। तो इधर अगर आपको लेके जाऊं 523 AD में, तो यहाँ पे ना जी एक हादसा हुआ था, यानी यमन के यहूदी बादशाह, यमन का बादशाह जो था ना वो एक यहूदी बादशाह था जी, उसका नाम था जुनुवास। जुनुवास ने ना अटैक कर दिया था जी, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। तो अब याद रखिएगा कि जुनुवास ने ना जी अटैक किया था किस पे जी, नजरान, जो मैंने इलाका आपको बताया ना जी, नजरान के ईसाई कम्युनिटी पे ना जी उसने अटैक किया था। तो जब अटैक किया तो उसने यहाँ पे ईसाइयों पे तो बहुत ज्यादा मतलब है कि कत्लोगारत की थी। तो कहते हैं कि जो 525 में ना जी एक शाह हबश ने भेजा था जी, 525 AD में एक बंदे का नाम है अरियात, अरियात नामी सिपहसालार को ना एक बड़ी आर्मी भेज के, यानी हबशा का जो रूलर था वो आपने याद रखिएगा थोपिया का, वो ईसाई था, वो ईसाई रूलर था, और उसने मतलब है कि एक बड़ी आर्मी जो है ना जी वो दे के भेजा था, तकरीबन 70,000 की आर्मी थी। अरियात नामी सिपहसालार को उसने ये दी थी जी 70,000 की आर्मी। तो उसने कहा कि आपने बदला लेना है जी जुनवास से। तो कहते हैं कि इस फौज ने यमन पे कब्जा कर लिया, यमन पे कब्जा यानी ईसाई कब्जा हो गया था जी। और ये जो अरियात है ना जी, इसी की फौज में से एक बंदा था, उसका नाम है अबरा। अबरा ने कत्ल कर दिया था अरियात को और फिर खुद रूलर बन गया था यमन की हद तक। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे ना जी के जो अबरा है ना जी, इसको जेहन में रखिएगा, इसी का अटैक हुआ है 570 AD में, कहाँ पे जी, मक्का पे। क्योंकि आपने याद रखिएगा सूरत फील आपने पढ़ी होगी जी, अलम तर कैफ फअल रब्बुका बि असहाबिल फील। तो याद रखिएगा कि ये अबरा का बेसिकली ये गवर्नर था हबशा की तरफ से, जो मतलब है कि इन्होंने आके इधर कब्जा किया था, यानी 523 में स्टार्ट हुआ है काम, 525 में इन्होंने कब्जा कर लिया। फिर ये अबरा को जरूरत क्या पड़ी कि ये मक्का पे आके अटैक करे। आप देखे ना ये यमन है जी, तो यमन से ये मक्का आया जी यहाँ, ठीक है ना जी, इसने आके अटैक किया जी। तो अब याद रखिएगा, कहते हैं कि अबरा जो है ना जी, इसने एक चर्च बनवाया था जी, और ये चाहता था कि ये सारी दुनिया के लोग ना इस चर्च के पास आए जी, समझ आ गई जी। तो जी मेरे भाई, मैं सारी चीजें बताऊंगा, आप सुनेंगे ना, आप रेलिवेंट जो समझ नहीं आती ना उसका अगर आप कमेंट करेंगे ना तो ज्यादा आपको फायदा होगा। चीजें हर चीज बताऊंगा, कोई मसला नहीं है, वो हर चीज आपको बताऊंगा। कौमे आद जो है ना जी, वो बेसिकली जो है ना ये हजरे मौत का एरिया है जी, ये कौमे आद और समूद जो है ना इस एरिया में रही हैं जी, ठीक है ना, हजरे मौत का इलाका है, हजरत
जो है ना हूद अलैहि सलाम की कौम और हजरत साले अलैहि सलाम की कौम, ये यहाँ पे अभी भी खंडरात है उनकी ना, मतलब है कि ये हजरे मौत के एरिए में मतलब रहेगी। तो वो क्योंकि ना वो फिर हम टॉपिक से हट जाते हैं, वरना कोई नहीं है, वो आप जितने भी सवाल पूछेंगे तो मैं बताता रहूंगा, तो टेंशन नहीं है। लेकिन वो इस तरह है कि टॉपिक जो है ना वो हमारा रह जाएगा। तो अब ये समझ आ रही है ना जी, ये बातों की, ठीक है ना जी। यमन की बात कर रहे थे और वहां से मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई कि जनाब ये 523 AD में क्या हुआ था जी, कि यहूदी बादशाह ने ईसाइयों पे हमला किया, तो फिर हबशा से एक पावर आई थी अरियात नामी सिपहसालार के अंडर 70,000 आर्मी के साथ, और इन्होंने यमन पे कब्जा किया। लेकिन बाद में अरियात को कत्ल किसने किया जी, अब्रा, और अब्रा यहाँ का रूलर बन गया था, ठीक है ना जी। और अब्रा को लालच क्या था कि चर्च बनाया इसने इधर मतलब है कि यमन में, और ये चाहता था कि लोग इसको फॉलो करें। तो कहते हैं कि एक ना बनो खजा का बंदा था जी, उसने क्या किया था इसके चर्च में ना जी गंदगी फेंक दी जी, जिस वजह से ये कहते हैं कि इसको गुस्सा आया और ये कहता है कि मैं मुसलमान जो ये मक्का है ना जी खाना काबा, इसको गिरा दूंगा। तो खाना काबा को गिराने के लिए इसने मतलब है कि एक बड़ी आर्मी लेके गया था। क्वेश्चन आता है कि कितनी आर्मी लेके गया था, कि 60,000 की आर्मी थी, और उसके साथ मतलब है कि हाथी थे, हाथियों की एक बड़ी फौज थी। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस पे क्या किया जी, कि आपने सूरत फील पढ़ी होगी कि हजरत मतलब है कि सूरत फील में जिक्र आता है कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। तो आपको पता है अबाबील जो है ना जी वो अल्लाह ने भेजे थे जी, कहते हैं दुनिया का पहला जो है ना वो न्यूक्लियर बम गिराया गया था जी अबाबीलों के जरिए। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इनके पास यूरेनियम की वो थी कंकरियां जो इन्होंने मारी थी। आपने ध्यान में रखना है कि हजरत अब्दुल मतलब जो है ना जी, हजरत अब्दुल मतलब जो है उनको मतलब है उनके इसने ऊंट पकड़ लिए थे। तो हजरत अब्दुल मतलब जब छुड़ाने गए तो कहता है जी मैं तो आपका खाना काबा गिराने आया हूँ। तो हजरत अब्दुल मतलब ने कहा जी कि खाना काबा जो है ना जिसका है वो खुद बचा लेगा, ऊंट मेरे हैं और तुम मेरे ऊंट वापस कर दो। तो अब याद रखिएगा कि ये वाकया जो है ना 570 इसे वन आमुल फील बोलते हैं, वन आमुल फील आपने याद रखना है। सॉरी ये इसको ना आमुल फील बोलते हैं यानी साल जो है ना, लेकिन 571 इसको बोलते हैं, 571 को बोला जाता है वन आमुल फील, जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाया है, तो उस साल को नाम दिया गया है वन आमुल फील का। तो आप याद रखिएगा जी वन आमुल फील ये वो साल है जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। तो ये तो थी जी कि जस्ट मतलब है कि आपके साथ मतलब है कि डिस्कशन के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जी वो इस दुनिया में तशरीफ कैसे लाए, देने की उनका मतलब है कि दौर जो है उसको जी। मेरे भाई तीन तीन कंकरियां होती थी जी, दो चूंच के अपना पंजों के अंदर और एक चूंच के अंदर होती थी, तीन तीन कंकरियां जो है ना हर अबाबील के पास जो मतलब हिस्ट्री की किताबों में आई है कि तीन तीन कंकरियां जो है ना वो मारी जाती थी, ठीक है ना जी, मतलब उनके पास जो भी। तो अब ये याद रखिएगा जी कि अब ना आगे आपको लेके चलते हैं जी, कि अरबों की जो मतलब है कि किसमें है ना जी वो आपने ना जेहन में रखनी है, कि अरब जो है ना जी वो कितनी किस्म के अरब हैं जी। तो आपने ना ध्यान में रखिएगा कि अरबे अरब तीन किस्म के अरब हैं जी, एक है अरबे बाइदा, अरबे बाइदा इन्हें बोलते हैं जी। ये वो अरब है जो हिस्ट्री में आता है कि ये क्या हो गए थे जी, तबाह हो गए थे जी, इनकी मतलब है कि जिसमें हम याद करते हैं आद और समूद को जी। ये वो अरब हैं जी हजरत हूद अलैहि सलाम की कौम और हजरत साले अलैहि सलाम की कौम, इन्हें अरबे बाइदा बोला जाता है, यानी वो अरब जो मतलब है कि खत्म हो गया, जिनका नामो निशान ही मिट गया। फिर दूसरी तरफ आते हैं दो अरब, एक का नाम है कातानी अरब
और दूसरे अरब आपने याद रखिएगा वो है, उन्हें बोलते हैं मतलब है कि अरबे मुस्तारबा भी बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं अदनानी अरब, ये आपने याद रखिएगा। दूसरे नस्ल जो है ना उसे बोलते हैं अदनानी। ये जो काकानी है ना इन्हें अरबे आरबा भी बोला जाता है, समझ आ गई। ये यमन में रहते थे, जो अभी यमन की बात की है ना जी, तो ये अरब कहाँ रहते थे जी, यमन। तो आपने याद रखिएगा कि अरबे आरबा अरब जो काकानी अरब जो है ना इन्हें क्या बोलते हैं जी, ये यमन वाले अरब हैं। और जो अरबे मुस्तारबा है ना जी इन्हें बोला जाता है अदनानी अरब। ये मतलब है कि आप याद रखिएगा मक्का वाले अरब हैं जी, ये हजरत इस्माइल की औलाद से हैं, और ये या अरब था जी, या अरब के बेटे का नाम है काकान, तो काकान से काकानी अरब, और हजरत इस्माइल की औलाद से ना जी एक आगे नस्ल में ना बंदा होता है अदनान, उससे ये अरब है अदनानी अरब। तो आप कमेंट कीजिएगा जी कि अरबों की तीन किस्में यानी तीन नस्लें आपको पता चल गई जी, अरबे बायदा, अरबे आरबा, अरबे मुस्तारबा, ये तीन है। लेकिन इन्हीं को आगे कातानी अरब और अदनानी अरब बोलते हैं जी, मतलब है कि ये कातान की औलाद से यमन बाद हुई है जी, और हजरत इस्माइल की औलाद क्योंकि मक्का में इन्हें अदनानी अरब बोला जाता है जी। यहाँ तक आप जो है ना जी कमेंट कीजिएगा जी कि आपको ये समझ आया कि नहीं जी। क्लियर है जी, यहाँ तक समझ आया कि नहीं जी। चले जी, अच्छा जी, आप ना हमने इन्हीं को थोड़ा सा आगे बताना है जी आपको कि ये जो अदनानी अरब है ना जी और ये काकानी अरब है, ठीक है ना जी। आपने ना दो तीन कबीलों का ना नाम जिन रखना है, कल कभी पेपर में आ सकता है जी। ये जो काकानी अरब है ना जी ये बेसिकली इनका इलाका यमन है जी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो बंद था ना जी, डैम था मारब नामी, वो टूट गया, तो ये ना कई कबीले जो थे ये फैल गए थे जी मुख्तलिफ इलाकों में। तो इनमें से ना दो कबीलों का आपने नाम याद रखना है, बनू औस और खिजरज। ये आपको पता है मदीना के वो अंसार कबीला है जी, ठीक है ना जी। कोई पूछे ना जी ओरिजिनल इनका ओरिजिन कहाँ से है, तो बनू औस और खिजरज बेसिकली ये यमन से हैं। ये कबीले भी कहाँ आबाद हो गए थे जी, मदीना में, ठीक है ना जी। और एक कबीला आपने याद रखेगा बनू खजा है जी, ये मक्का में आबाद हुआ था जी, समझ आ गई जी। ये बात जो है ना कि कातानी अरबों में से दो कबीले जो हैं वो आपने ना याद रखिएगा, बनू औस और खिजरज कहाँ पे आबाद हुए थे जी, मदीना। ये आपको पता है आगे जाके इन्हें अंसारे मदीना भी हम पढ़ेंगे। अंसारे मदीना जो है वो कौन से दो कबीले हैं जी, ये बनू औस और हिजरत जो है, ये बाद में मुसलमान हो जाते हैं क्योंकि तो सरकार हिजरत करके गए, तो ये वाले कबीले जो है ना ये मुसलमान हुए हैं, तो ये फिर अंसारे मदीना का टाइटल है। लेकिन ओरिजिन इनकी यमन है। मक्का में एक कबीला आपने याद रखेगा बनू खजा है जी, और इसका जो है ना जी आपने याद रखेगा इसकी ओरिजिन भी क्या है जी, ये भी यमन है, ठीक है ना जी। तो मकसद कहने का है कि आपको ना जी एक बनू तय कबीला भी आपने याद रखेगा, हातम ताई का कबीला, नाम सुना होगा जी हातम ताई का जी। तो ये आपने याद रखेगा हातम ताई का जो कबीला है ना जी वो भी बेसिकली जो है वो भी उसकी ओरिजिन भी आपने याद रखिएगा के यहाँ पे आती है जी, इससे ना जी मतलब है कि यमन से, ठीक है ना। तो ये तो जस्ट मैंने आपको बताया है कातान की औलाद जो है ना जो बिखर गई थी जी। अब आ जाते हैं बनू अदनान पे। अब आपने याद रखिएगा कि बनू अदनान यानी कि जिनको हम अरबे मुस्तारबा भी बोलते हैं, अदनानी अरब भी बोलते हैं, इनका आपने याद रखिएगा इनका सेटअप क्या था जी। आपको होता है हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम जो है ना जी उनको क्या टाइटल दिया गया जी, खलीलुल्लाह।
उनको जद्दुल अंबिया का टाइटल भी दिया गया है, उन्हें बुत शिकन का टाइटल भी दिया गया है। बुत शिकन उन्हें मतलब है कि यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह, जद्दुल अंबिया, अबू अंबिया, ठीक है ना, अंबिया के ये बाप भी हैं जी। इनका आपने याद रखिएगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ना औलाद आप देखें, इनके दो बेटे हैं जी। एक बेटे का नाम है हजरत इसहाक और एक बेटे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक की वालदा का नाम हजरत सारा है और हजरत इस्माइल की वालदा का नाम हजरत हाजरा है। अब याद रखिएगा कि हजरत सारा पहली बीवी है और ये सैयद खानदान से, आपको पता है इनकी सिस्टर जो है ना, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की सिस्टर है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कजन है, ठीक है ना। तो हजरत हाजरा का तल्लक मिस्र से है जी, ये आपने याद रखना है कि हजरत हाजरा का तल्लक किधर से है, मिस्र से। सादूक नामी बादशाह की ना आप बेटी हैं। लेकिन हजरत इस्माइल जब पैदा हुए थे तो हजरत इब्राहिम की उम्र 86 साल थी और हजरत इसहाक जब पैदा हुए हैं तो आपकी उम्र 100 साल थी। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक में बड़ा कौन था जी। तो अब याद रखिएगा कि हजरत इस्माइल बड़े हैं जी, लेकिन हजरत सारा के पास औलाद नहीं थी, तो एक तो अल्लाह का हुक्म भी था, दूसरा हजरत सारा को ना बड़ी टेंशन होती थी कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है और हाजरा के यहाँ औलाद है जी। तो इस वजह से भी दो चीजें हुई थी कि आपको पता है हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम जो है ना जी, छोटी उम्र में हजरत इस्माइल को और उनकी वालदा हजरत हाजरा को कहाँ छोड़ गए थे जी, ये आपने याद रखी था। उस वक्त इसका नाम बक्का था जी, बाद में इसका नाम मक्का पड़ा जी। अब आपने ना टेक्निकल चीज है यहाँ समझ लिया थी, क्योंकि हजरत इब्राहिम का असल वतन जो है ना जी, हजरत इब्राहिम का जो असल वतन है वो कूफा के पास एक जगह है, उसका नाम है उर। उर जो है ना जी, ये इलाका है जी जहाँ पे हजरत इब्राहिम, हजरत सारा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का असल इलाका ये है जी। अब कहते हैं कि नमरूद बादशाह जो है ना जी, उसने हजरत इब्राहिम को ना आग में डाला था, 40 दिन आप आग में रहते जी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आप सेफ एंड साउंड रह जी। लेकिन अब याद रखिएगा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है ना जी, उनको जब मक्का भेजा गया तो ये छोटे बच्चे थे जी, और हजरत हाजरा को ना, यहाँ पे आप याद रखिएगा सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं जी, सफा और मरवा। समझ लें कि हजरत इब्राहिम अपना हाजरा और हजरत इस्माइल इस जगह पे थे। तो कहते हैं कि हजरत इस्माइल को जब प्यास लगी थी, वो आपने सारी स्टोरी सुनने होगी है जी, जी, कूफा इराक, ठीक है ना जी। जी मेरे भाई आप याद रखिएगा कि हजरत इब्राहिम के जो वालद है ना जी, इनको बेसिकली जो है ना कि वो कुछ लोग ना आदर बोल देते हैं इनके वालद का, लेकिन जो हिस्ट्री में आया ना, इनके वालद का नाम तारुफ है जी, तारुफ, ठीक है ना जी। आदर जो है ना वो बुत परस्त था जी, तो नबी का वालद जो है ना वो बुत परस्त नहीं हो सकता ना जी। तो मतलब एक तारुफ जो है ना, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालद का नाम आया, वो अंबिया का हम जिक्र अलग से करेंगे। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि हजरत जो इस्माइल की वालदा है हजरत हाजरा, उन्होंने यहाँ पे सही की थी कि 7 चक्कर, वो आपको सब पता ही है जी। तो यहाँ से एक चश्मा निकला था जिसको नाम क्या दिया गया जी, जमजम। ये जमजम आपने याद रखिएगा नाम कैसे पड़ा, क्योंकि हजरत हाजरा जो थी ना, जब ये चश्मा आपकी एड़ियों से निकला तो आपने एक तो पानी पिया, बेटे को भी पिलाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसके बाद आपने ना इधर ऐसे दीवार बनाना शुरू की, वो चश्मा जो था वो उबल रहा था पानी ना, तो हजरत हाजरा ने ऐसे दीवार बनाना शुरू की, लेकिन जैसे जैसे दीवार बनाती थी तो पानी जो है ना ऊपर आता जाता था। तो हजरत हाजरा ने फिर ये लफ्ज बोले थे, जम जम, ठहर जा, रुक जा, तो इस वजह से इसका नाम जो है रुका हुआ पानी,
पड़ गया जी, ठीक है ना जी, क्योंकि हजरत ये मिस्री जुबान का लफ्ज है जम जम जो है, क्योंकि हजरत हाजरा का तल्लक मिस्र से था ना जी। जी जब पेपर में ऑप्शन नन ऑफ दीज आएगा तो तब भी आप नन ऑफ दीज पे जाएंगे, लेकिन अगर ना आए तो फिर आजर लिखना है जी, क्योंकि कुछ पेपरों में मतलब है कि आजर की ऑप्शन आती है, लेकिन बेसिकली जो हिस्ट्री है वो तारुफ बताती है जी, तारुफ जो है ना जी ये ऑप्शन है जी, लेकिन अगर चार ऑप्शन होंगे और तारुफ ना दिया गया हो तो फिर आजर आपने लगाना है, क्योंकि पेपरों में कुछ जगहों पे ये आया हुआ है ना जी, इस वजह से आपने दोनों को ध्यान में रखना है, लेकिन असल में ठीक है। जी अच्छा, अब आप याद रखिएगा कि हजरत इब्राहिम जो है कि वाटर क्या है जी, ये वाटर इज अ सिंबल ऑफ लाइफ, यानी कि एक जिंदगी की उम्मीद है जी, तो लोगों ने ना जब ये पानी यहाँ पे निकला तो कहते हैं कि एक कबीला था बनू जरहम, वो यहाँ पे क्योंकि आपको पता है अरब में पानी पीना आज भी मसाइल है और उस दौर में भी मसाइल थे जी, तो बनू जरहम जो है ना जी उन्होंने हजरत हाजरा की इजाजत से ना जी यहाँ पे मतलब है कि उनसे कहा कि हम ये पानी पी सकते हैं और अपने जानवरों को पिला सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आप पिला भी सकते हैं लेकिन इस पे अख्तियार जो होगा ना वो हमारा ही होगा जी। अब याद रखिएगा कि फिर हजरत इस्माइल जब बड़े हुए तो हजरत इस्माइल की ना शादी भी बनू जरम में हुई है, आपने याद रखना कि हजरत इस्माइल की शादी ना एक बंदे का नाम है मजाज बिन उमरू, उसकी बेटी का नाम है सईदा, सईदा से शादी हुई थी हजरत इस्माइल की, तो अब याद रखिएगा कि हजरत इस्माइल की शादी जो है वो सईदा नामी खातून से हुई थी, फिर इनके ना 12 बेटे हुए थे, हजरत इस्माइल की औलाद जो है ये फिर इनकी 12 बेटों से आगे नस्ल चली है जी, जिसको बनी इस्माइल बोला जाता है और जिस नस्ल से आगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं जी। अब हम ना कुछ कबीले डिस्कस करेंगे जी आपके साथ, कि अब याद रखिएगा कि इन 12 बेटों की नस्ल से ना जी आगे जो बंदा आता है ना जी जिसका जिक्र मिलता है, क्योंकि ना हजरत इस्माइल के जो बेटे हैं ना उनमें एक बेटे का नाम है नाबत और एक का है केदार, ये ज्यादा मतलब है नाम मशहूर है जी, लेकिन जो असल में हिस्ट्री देती है ना कि वो बाद में आगे जाके एक बंदे का नाम आता है अदनान, अदनान से फिर जो है ना ये जो है कि नस्ल चली है अदनान, आप याद रखिएगा कि बनू अदनान जो है ना जी के बनू रबिया और बनू मजर के बड़े कबाइल इसी नस्ल से हैं, यानी कि आप देखिएगा कि एक कबीला है बनू रबिया और एक है बनू मजर, ये दो कबीले ना ये अदनान की नस्ल से हैं, और फिर आप याद रखिएगा कि जो एक कबीला है बनु वायल है, बनु बकर है, बनु तगलब है और बनु हनीफा है जी, ये आपने याद रखिएगा ये आगे कबीले हैं बनु रुबिया से, और आप याद रखिएगा कि बनू सलीम, बनू हवाजन और बनू जो है ना जी जुबियान, ठीक है ना जी, एक है बनू गतफान, ये सारे कबीले जो है ना जी ये आपने याद रखिएगा कि बनू मजर से, यानी अब याद रखिएगा पुराने दौर में जो है ना जी ये कबीले जो है ना जी ये आपने ना याद रखना है कि इस तरह खानदान बड़ा बंदा उसकी नस्ल इस तरह आगे चलते थे जी, ठीक है ना जी, तो फिर आप याद रखिएगा कि तो आगे जो है ना ये जो बनू मजर था ना जी इस पे
बजर के बेटे का नाम है इलियास। इलियास की औलाद में ना आगे आप याद रखिएगा कि कबीला आता है बनु तमीम, बनु तमीम है जी, ये आपने याद रखिएगा, हजरत अबू बकर सदीक का खानदान है जी। एक बनु हजील है जी और बनु असद, बनु कनाना, ये सारे आपने याद रखिएगा कि ये कबीले ना अलियास, अलियास के वालद का नाम है मजर, ठीक है ना जी, तो फिर उनकी नस्ल से आगे ये चलता है जी। एक ना बनु कनाना, ये जो कनाना है ना जी, इसकी आगे औलाद में से ना एक शाख आती है, उसको बोलते हैं फैर बिन मालिक, जिसका टाइटल क्या था कि कुरेश, कुरेश का टाइटल है जी, ठीक है ना जी। ये फैर बिन मालिक जो है ना जी, इसका टाइटल है कुरेश। तो आप याद रखिएगा, अब इससे आगे जो नस्ल चली है ना, उसको हम बोलते हैं कुरेश मक्का। ये आप याद रखिएगा जी, हजरत खदीजा तुल कुबरा जो है ना, वो बनु असद से है जी, ठीक है ना जी, आप याद रखिएगा। और ये कबीला आगे अलियास और अलियास से आगे मजर, क्योंकि शुरू में तो एक था ना जी, फिर आगे खानदान फैलते गए जी। अब यहां तक समझ आइए जी आप लोगों को, मैंने आपको बताया कि अदनान की औलाद है, अदनान की औलाद से दो मेन कबीले थे, बनु रबिया और बनु मजर। बनु रबिया से ये बनु वायल, बनु बकर, बनु तुगलक, बनु हनीफा। ये बनु हनीफा याद रखिएगा, इससे एक झूठा नबी जिसका नाम क्या था जी, मुसलमा, मुसलमा कजाब के नाम से ना जी, एक झूठा नबी भी आएगा जी, बनु हनीफा जो है ना जी, इससे। तो याद रखिएगा, बनु मजर में बनु सलीम, बनु हवाजन, बनु जुबियान। ये बनु हवाजन आपने याद रखना है जी, कि इस कबीले से ना आगे बनु साद एक कबीला आएगा जी, जो हजरत हलीमा सादिया का कबीला है जी। हलीमा सादिया जो है ना जी, उनका कबीला जो है ना, वो बनु हवाजन है जी, और उसकी छोटी ब्रांच आती है बनु साद, तो इस वजह से हलीमा सादिया। आप कमेंट कीजिएगा जी कि यहाँ तक आप लोगों को कुछ समझ आया कि नहीं जी, ठीक है ना जी, क्योंकि आज हमारा ना जस्ट स्टार्ट है जी, हमने ना इस तरह आपको सारी चीजें इंशाल्लाह खोल खोल के कंप्लीट समझाएंगे जी। यहाँ तक बताइएगा, अभी हमने बनु कुरैश को नहीं डिस्कस किया, वो करेंगे, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा जी कि आपको समझ आया कि नहीं ना जी। तो यार वो आगे आएगा ना आतफ इजाज भाई, आप अगली बात पूछते हो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका पहले जवाब दो, यहाँ तक जो समझ आया कि नहीं। अगर आपको हिस्ट्री ज्यादा आती है तो फिर आप क्लास क्यों ले रहे हैं, मकसद यह है कि आप पहले समझेंगे चीजें, तो फिर मतलब है कि मैं सारी चीजें बता के जाऊंगा, मैं ऐसे तो नहीं आके बैठ गया ना लाइव। आप इस चीज को जहन में रखिएगा कि मैं ऐसे तो नहीं ना एम्प्टी हैंड तो नहीं ना आके बैठ गया ना, आप लोग मतलब है कि वो चीजें जब होंगी, मैं हर चीज का आपका जवाब दे रहा हूँ ना, चीजें जो समझा के लेके जानी है उसे। अभी ये हजरत आमना का कबीला आते ही जो है वो कुरेश में है, तो फिर मैं कैसे आपको पहले बता दूंगी, हमने कुरेश को तो डिस्कस ही नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा ना एक दिन ये भी बनाइएगा जी, आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है जी, क्वेश्चन पूछना गुनाह नहीं है, क्वेश्चन का जेन आप मेरे भाई एक चीज जेन में रखिएगा, अगर आप मेरा इम्तिहान लेने के लिए बैठे हैं ना, फिर आप गेन नहीं कर पाएंगे। आप ये जेन में रखिएगा कि आप कुछ सीखने आए हैं, तो फिर आपको मतलब है कि सारी चीजें मतलब समझ आएंगी, लेकिन अगर आप ये जेन में रखे ना कि मैंने उस्ताद को ही टेस्ट करते रहना है, तो फिर आप यार वो दुश्मनी बना के बैठने वाला तो चक्कर कोई नहीं है ना, हर चीज नाम बता के जाऊं फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ आ गई जी। क्योंकि मैं तो बिल्कुल पुरसकून तरीके से आपको समझा रहा हूं, आप समझने वाले बने, आप अगर उसको एक बना के कि मैंने कहीं से कुछ ढूंढना है कि इस बंदे का कोई ना मुझे फॉल्ट नजर आए, ठीक है ना जी, तो वो तो फिर आप ढूंढते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, हम भी कोशिश करते रहेंगे, तो फायदा नहीं है। अगर आप स्टूडेंट बन के क्लास लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, अगर प्रोफेसर बनना है तो फिर काम खराब हो जाना है। अच्छा जी ये देखिएगा जी, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे मैं आपको कुछ कह तो सकता नहीं, फैर बिन मालिक की ना जी, मैंने आपको बताया कि इनका जो टाइटल है वो कुरेश का है जी, कुरेश मक्का। अब आप ना याद रखिएगा जी,
तो अब आप याद रखिएगा, बनू कनाना से आगे ना फैर बिन मालिक, इनका टाइटल जो है वो कुरेश का टाइटल है जी, ठीक है ना, कुरेश मक्का इन्हें मतलब है कि बोला जाता था जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि कुरेश मक्का जो है ना जी, उनको आपने याद रखे कि उनमें से आगे कौन सी मतलब है कि शाखे है जी, आपने याद रखना है बनू सैम, बनु अदी, ये कबीले आपने ना याद रखेगा, बनु अदी है, फिर बनु मखजूम है, फिर बनु तय्यम है जी, फिर बनु जोरा है। अब आप देखें कि ये खानदान है हजरते आमना का खानदान बनु जोरा, ये कुरेश में आता है जी, बनु जोरा है जी। फिर आप याद रखिएगा बनू कुसई है जी, कुसई बिन कलाब जिन्हें बोला जाता है। उसके साथ आप याद रखिएगा कि ये जो बनू अदी है ना जी, ये आपने याद रखना है कि ये हजरत जो है ना उमर का खानदान है। ये जो बनू मखजूम है ना जी, इसको आपने याद रखिएगा कि ये हजरत जो है ना जी खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद का खानदान जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि खालिद बिन वलीद जो है ना जी, उनका खानदान अबू जेल का खानदान ये वाला खानदान है। क्योंकि मेरे भाई कुछ खानदानों के ना नाम आपने याद रखने हैं, क्योंकि आगे जाके इन खानदानों को कुछ ओहदे भी दिए जाएंगे चीजें, तो ये खानदान आपने याद रखिएगा हजरत आमना का खानदान बनू जोरा है जी, ठीक है ना जी, तो ये आपने याद रखिएगा। फिर ये जो कुसई बिन कलाब का मैंने बताया ना, इनका आगे जाके आपने याद रखिएगा कि खानदान बनता है, उसे बोलते हैं बनू अब्दुद्दार, जो खानदान है ना ये वाला, इनके पास खाना काबा की ना मतलब चाबियां इन्हीं इसी खानदान के पास है, और अभी तक इन्हीं के पास है, ठीक है ना जी। तो अब याद रखिएगा कि ये बनू अब्दुद्दार आपने याद रखिएगा जी, और इसी मतलब है कि कुसई के एक और बेटे हैं, उनका नाम है अब्दुल मुनाफ, अब्दुल मुनाफ, तो अब्दुल मुनाफ की आपने याद रखिएगा कि आगे औलाद में से बनु हाशम आता है जी। तो यहां तक एक दफा कमेंट कीजिएगा जी कि आपको ये वाले चीजें समझ आई, फैर बिन मालिक और उनसे ये सारे खानदान, और फिर उनकी फैर बिन मालिक के बाद कुसई बिन कलाब, कुलाब के खानदान में से दो मेन खानदान निकले हैं बनू अब्दुद्दार और अब्दुल मुनाफ, ठीक है ना। तो अब याद रखिएगा कि ये वाला बनू अब्दुद्दार और अब्दुल मुनाफ जो है ना जी, इनका आपने मुझे बताइएगा, यहाँ तक आपको समझ आ गई जी, सारे दोस्त ना कमेंट कीजिएगा कि आपको यहाँ पे समझ आई कि नहीं आएगी, बनू अब्दुद्दार और अब्दुल मुनाफ। अब याद रखिएगा जी, अब्दुल मुनाफ पे मैं आपको लेके जाऊंगा, तो आपने देखना है कि अब्दुल मुनाफ की आगे जो है ना जी खानदान अब्दुल मुनाफ, ठीक है ना जी। ठीक है जी, आप ये देखिएगा कि अब्दुल मुनाफ जो है ना जी, इनका आपने ना औलाद देखनी है जी, इनकी औलाद में ना जी एक है अब्दुल शम्स और एक है आगे नोफल, ये है मतलब, और एक है जी हाशम यानी हजरत हाशम, ये अपने आप ध्यान में रखिएगा जी, हजरत हाशम जो है यहाँ से खानदान सरकार का शुरू होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बनू हाशम जो है, और ये जो अब्दुल शम्स है ना जी, इनकी औलाद में से ना आगे इनके बेटे का नाम है उमैया, जिनसे एक खानदान शुरू होगा बनू उमैया, समझ आ गई थी। अब अब्दुल शम्स के बेटे का नाम उमैया, उमैया के बेटे का नाम हरब, हरब के बेटे का नाम अबू सुफियान, और अबू सुफियान जो है ना जी, आपने याद रखना है कि अबू सुफियान के बेटे हैं हजरते अमीर माविया, समझ आ गई थी। और इधर से अगर आप देखें तो हजरते हाशम के बेटे हैं अब्दुल मतलब, इनका असल नाम आपने याद रखना है जी के शहबाज, इनका असल नाम जो है ना जी आप याद रखिएगा जी
शैबा, शैबा या आमर, इनको दूसरा नाम, असल नाम आमर है, लेकिन शैबा इस वजह से बोलते थे कि इनका ना मतलब है कि रंग जो था ना वो बहुत ज्यादा सफेद था और सफेद बाल थे जी, तो इस वजह से ना नाम दिया गया शैबा। असल में नाम क्या है? आमर। लेकिन अब्दुल मतलब कैसे पढ़ा था जी? आप याद रखिएगा कि हजरत हाशिम जो है ना जी, इनकी शादी हुई थी मदीना में, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ने खातून थी सलमा खातून, ठीक है ना जी, उनसे शादी हुई थी मदीना में ना जी, जो बनू नजार है ना जी, उस फैमिली में ना जी। तो जब उनकी शादी हुई थी तो उसकी वजह से क्या हो गया जी कि ये फिर जल्दी ना इनका विसाल हो गया था। तो हजरत अब्दुल मतलब जो है ना जी, इनका ज्यादा जो रहना सहना अपना टाइम गुजरा है ना जी, वो अपने ननिहाल में गुजरा था। तो अब याद रखिएगा कि हजरत जो अब्दुल मतलब है, इनके ना चाचा मतलब इनको वापस लेके आए थे मदीना से मक्का। तो लोगों ने ना सोचा कि ये मतलब का गुलाम है, तो नाम पड़ गया अब्दुल मतलब, यानी मतलब का बंदा। तो अब याद रखिएगा इस वजह से इनको नाम दिया गया अब्दुल मतलब। हजरत अब्दुल मतलब जो है ना जी, इनके ना 10 बेटे थे। इनमें आप देखें कि हजरत अब्बास भी हैं, हजरत हमजा भी हैं, हजरत हारिस भी हैं। तो मतलब है ना कि काफी 10 बेटे, उनमें से आपने याद रखना है हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला जो है ना जी, उनके आगे बेटे हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब याद रखिएगा कि इस तरह ये शजरा है जी। आप सारे दोस्त कमेंट करें कि क्या आपको जो अरब जो कबाइल हैं, ठीक है ना जी, उनका शजरा समझ आया कि नहीं जी? सारे दोस्त कमेंट कीजिएगा जी कि आप लोगों को जो है कि वो शजरा जो है वो समझ आया कि नहीं आया जी, ठीक है ना जी। जितने भी दोस्त हैं ये आपने जस्ट एक दफा कमेंट कीजिएगा जी कि आप लोगों को समझ आया जी। आज का लेक्चर जो था ये जस्ट अभी स्टार्ट है जी। हम इंशाल्लाह जो है कि आपको अब कल इंशाल्लाह जो है ना कि आपको ले जाऊंगा कि अरब प्री इस्लामिक पीरियड में कौन कौन से मतलब हुकूमतें थी, कौन कौन सा जो सिलसिला था वो चलेंगे जी। तो हम डेली बेसिस पे 1 घंटे की जो है ना वो मतलब है कि जो रखेंगे, ठीक है ना जी, ये क्लास जो है। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों का फीडबैक चाहिए जी। आप सारे दोस्तों ने एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोगों ने आगे जो है दोस्तों तक ये लिंक शेयर कर देना है जी वीडियो का। इंशाल्लाह पूरे रमजान में जो है कि हम एक एक चीज आपको मतलब है कि समझा के लेके जाएंगे, ताकि ये होता है कि आप दोस्त शेयर कर देंगे तो आगे कुछ और दोस्तों का भी भला हो जाएगा, वो भी मतलब है कि क्लास पढ़ सकते हैं। थैंक यू जी। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। इंशाल्लाह कल मिलते हैं 11 बजे।